बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो है मुबशर भाई, मुबशर सदीक, जो कि एक एक बहुत ही अच्छा चैनल, बड़ा चैनल चला रहे हैं और फूड सीक्रेट के नाम से, विलेज फूड सीक्रेट के नाम से। उन्होंने उसकी उनकी ये पीछे वीडियो आई है, एक आपने देखी होगी, सब ने देखी होगी, कि उन्होंने माफ़ी मांगी है और उन्होंने माफ़ी मांग के ये बोला है कि प्लीज़ आप बग़ैर इंफॉर्मेशन के और बग़ैर इजाज़त के हमारे विलेज में ना आए। वो किस लिए ना आए वो मैं आपको बताता हूँ कि रीज़न ये है कि देखें, आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन जाते हैं और आपके पीछे इतने लोग लग जाते हैं और आप बग़ैर बताए उनके घर की लोकेशन कभी मालूम पड़ जाए तो वो पहुंच जाते हैं लोग। तो पाकिस्तान में तो ये आम हो जाता है, अगर किसी को लोकेशन पता चल जाए तो वो तो भागते हैं उनसे मिलने के लिए। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि आप उनसे इस तरह से मिलने जाएँ, क्योंकि उनका गांव है, सिटी नहीं है। सिटी होता है तो फिर बंदा कहता है चलो ठीक है। गांव का माहौल आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ, मेरा भी गांव है, मैं अब्टाबाद से हूँ। तो गांव का माहौल ऐसा होता है कि आप एक कोई बंदा नया आता है ना, इंटर होता है, तो सब गांव वाले एकदम से देखने लग जाते हैं। शॉप्स कीपर हो गए या जो चलने वाले या जो काम कर रहे होते हैं रास्ते में आपको मिलते हैं, क्योंकि गांव को होते हुए काफ़ी रास्ते बीच बीच में से छोटे छोटे रास्ते जाते हैं और एक दूसरे को बंदे पहचानते हैं, ये कौन है, वो कौन है, ये कौन आया, वो कौन गया। तो इसी वजह से काफ़ी बंदे उधर गए भी हैं इनके घर में और इनकी इनके विलेज में, और लाइक अच्छा नहीं समझते वो विलेज वाले कि बाहर से लोग इस तरह से आए। और आप खुद सोचें कि आपके आराम का टाइम होगा या आप घर में नहीं होगे, आपकी फैमिली होगी और वो आके सीधा आपके घर की बेल बजाएंगे और कहेंगे मैंने मुबशर से मिलना है या उनके भाई हैं जैन जैन से मिलना है या मुदस्सर भाई से मिलना है, जिससे भी मिलना है। लेकिन देखें, आपको एक बात मैं बताता चलूं, ये अच्छी बात नहीं है कि आप इस तरह से करो। ठीक है, आप उनको पसंद करते हैं, मैं भी उनको मिलना चाहता हूँ पर्सनली, एवरी वन नीड टू मीट देम। सो आप क्या करें, पहले उनसे इंफॉर्मेशन लीजिए, उनसे कांटेक्ट कीजिए, लाइक कमेंट्स में डाल दीजिए कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी ख्वाहिश है, मैं आपको कहाँ पे मिल सकता हूँ। ये नहीं कि आपको उनकी लोकेशन का पता चल जाए तो मुंह उठा के सीधा चले जाए, नो, ये अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि उनकी भी प्राइवेसी होती है, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ पर्सनल मसरूफियात होती हैं। तो इस वजह से आपको चाहिए कि फुल इंफॉर्मेशन लेके, फुल इंफॉर्मेशन दे के उन्हें, और परमिशन उन्होंने दी तो आप मिल सकते हैं, क्यों नहीं मिल सकते। आप किसी होटल में मिल लीजिए, किसी रेस्टोरेंट में मिल लीजिए, खाना साथ उनको इनवाइट कर लें, खाना खा लें। तो मुबशर भाई के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ कि उनकी जो लाइफ है वो कहाँ से शुरू हुई और अभी कहाँ पर है। देखिए, मुबशर भाई एक बेचारा बहुत ही अच्छा और सादा बंदा है और वो उसने बहुत से काम किए हैं, ये स्पोर्ट्स कंपनीज में भी रहा है और साथ वो मलेशिया भी गए हैं, वहाँ भी काम किए उन्होंने, प्रदेश में भी काम किए हुए हैं। तो फिर आई थिंक उन्हें किसी ने आइडिया दिया है कि आप वीडियो बनाओ कुकिंग की, क्योंकि कुकिंग आपकी आती है, तो कुकिंग की वीडियो बनाओ तो इंशाल्लाह आपका चैनल ग्रो करेगा, क्योंकि YouTube का इतने बंदों को नहीं पता होता कि ये आपको पैसे भी देते हैं। अभी तो आम हो गया है, सबको मालूम पड़ गया है। तो इस वजह से उन्होंने एक चैनल शुरू किया था छोटा सा, जो विलेज सीक्रेट फूड के नाम से मशहूर है, और वो उसकी वजह से फिर इनकी ग्रोथ हुई है माशाल्लाह से। अभी भी सिंपल, बिल्कुल सिंपल बंदे हैं, हालाँकि इतनी अच्छी उनकी इनकम भी हो रही है और इतनी इज्जत भी है उनकी, और बिल्कुल सिंपल माहौल के साथ वो रह रहे हैं माशाल्लाह से, जिस तरह पहले रह रहे थे अभी भी वैसे ही रह रहे हैं। तो देखें, इसमें उनकी मेहनत को हम सलूट करते हैं, दिल से इज्जत करते हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है इसमें और तभी इस मुकाम पर आके पहुँचे हैं ये।
हमें चाहिए कि हम उनकी इज्जत करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। और उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है, देखें कंपनियों में काम एक दूसरे, और उनका कहना है कि 7,000 या 12,000 में मैंने काम किया है, देखें रुपीज़। तो देख लीजिए, ऐसा बंदा जब जाके इतना इतना बड़ा बन जाता है तो उसके तो नखरे ही चेंज हो जाते हैं, नखरे शुरू हो जाते हैं। लेकिन मुबशर भाई के माशाल्लाह माशाल्लाह, बी ऑनेस्ट, बिल्कुल सिंपल मैन है वो, बिल्कुल अच्छे इज्जतदार मैन है, गांव में उनकी इज्जत है माशाल्लाह से। और पिछले साल भी इन्होंने माफ़ी मांगी थी, कुछ यही प्रॉब्लम हुए थे कि आप गांव में विजिट ना कीजिए, इनको तंग शंग ना कीजिए। तो यही है कि मैसेज के आप प्लीज़ कुछ एहतियात करें, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है किसी के घर या किसी के विलेज में जाके बगैर इंफॉर्मेशन के उनको तंग किया जाए। उनको उनसे मिलने की ख्वाहिश रखते हैं तो आप उनसे पूरा उनसे रابطہ कीजिए और उनसे परमिशन लीजिए, वो आपको परमिशन देंगे। क्यों नहीं देंगे, फ्री टाइम होगा तो आपको परमिशन लाजमी देंगे, ठीक है। तो दूसरी ये बात है कि माशाल्लाह से वो हमारे पाकिस्तान का एक नाम रोशन कर रहे हैं। देखिए आज भी जर्मन एम्बेसडर उनकी वीडियो कुछ शॉर्ट्स लेने आए हैं, वो कुछ पाकिस्तान कल्चर को प्रमोट करना चाह रहे हैं जर्मनी में। तो आज मैंने देखी है उनकी वीडियो, उनके भाई की वीडियो देखी थी जैन की, तो वो बोल रहा था कि इस तरह प्रमोटर आए हुए। तो ये है कि देखें हमारी इज्जत हो रही है, पाकिस्तान की इज्जत हो रही है बाहर के मुल्कों में, ये देखें पाकिस्तान का कल्चर और हमारे कितने प्यारे ब्यूटीफुल गांव, देखें कितने अच्छे अच्छे गाँव माशाल्लाह, ग्रीनरी, और ये खेतों के दरमियान में किचन बनाया हुआ, किस तरह का किचन, कितने मज़े का किचन बनाया हुआ है इन्होंने। और ये सारे जर्मन देखें, बाहर पूरी दुनिया देखेगी माशाल्लाह माशाल्लाह, और हमारा नाम ऊपर आएगा, ठीक है ना। तो इससे ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि आप उनसे प्यार करते हैं, लव करते हैं, और हमारे भी बड़े भाई हैं वो, हम भी उनसे दिली मोहब्बत है उनसे। लेकिन ये नहीं है कि उनके घर पहुँच जाएँ कि बगैर कहे बगैर, नहीं अच्छा लगता। आप अपना सोच लें, कोई आपके घर आ जाए तो आपको भी ऐसे ही बुरा लगेगा जिस तरह इन्हें बुरा लगा। इनकी फैमिली है, बच्चे हैं, और प्राइवेसी होनी चाहिए कुछ इस तरह। तो एकदम मुंह उठा के बंदा घंटी लगा के, घंटी मार के बोले हाँ जी मैं आपसे मिलने आया, ये अच्छी बात नहीं। पहले आप परमिशन लें, वो आपको परमिशन देंगे, किस जगह भी मिल लें उनसे मिल लें, कोई टेंशन नहीं है, वो आपको इजाज़त दे दो। तो ये है कि बस यही मैसेज था कि प्लीज़ इन चीज़ों का एहतियात किया करें, और ये ख्याल रखें कि अगले की जो प्राइवेसी है उसको आप उसको तंग ना करें उनको, और प्राइवेसी को प्राइवेसी रहने दें। और जो है कि बस यही मैसेज था मेरा, और मेरी जो बुरी बात लगी आपको, कोई भी बात बुरी लगी है तो सॉरी, मैं सॉरी करता हूँ आपसे। लेकिन आप प्लीज़ ट्राई करना नेक्स्ट टाइम कि ऐसा ना करें, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच, मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मिलूँगा मैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और वीडियो भी आएंगी। मैं पाकिस्तान एबटाबाद चला जाऊँ तो फिर और वीडियो भी आपके लिए बनाऊँगा कि एबटाबाद कैसी ब्यूटी है एबटाबाद की। होप कि आपने एबटाबाद की वीडियो तो देखी होगी, यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, लेकिन मैं आपको एक नेचुरल तौर पे आपको बताऊंगा पहाड़ों की, और वहाँ जाके टूर करके आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। सब्सक्राइब माय चैनल, और थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।